कल देर रात सावरात गांव में हुई हिंसा के बाद घायल लोगों को सावरात से जयपुर रेफर किया गया। सभी घायलों का जयपुर के ट्रॉमा अस्पताल में इलाज जारी है। डॉक्टर्स का कहना है कि कल देर रात करीब 13 लोगों को अस्पताल लाया गया था, जिसमें से एक व्यक्ति मृत था। बाकी 12 लोग घायल थे और इन 12 लोगों में भी 2 लोगों की हालत ज्यादा गंभीर थी, लेकिन अब इलाज के बाद स्थिति में सुधार है। बताया जा रहा है कि इन घायलों में 9 पुलिस के जवान हैं। डॉक्टर्स के मुताबिक 4 लोगों को गोली लगी है। टोटल रात को जो आपसी भीड़ में और गोलीकांड की वजह से जो आए, उसमें करीब टोटल 13 पेशेंट अब तक आ चुके हैं, जिनमें से एक हमारे पास लालचंद नाम का रिसीव डेड आया और बाकी अन्य 12 पेशेंट है, जिनमें से एक महेंद्र नाम का पेशेंट था जो सिविलियन है, उसको रात को ही इमरजेंसी की वजह से रात को ऑपरेट किया और उसको अभी गहन चिकित्सा इकाई में रख रखा है। साथ ही एक मनसाराम जो नागौर पुलिस का कांस्टेबल है, उसको भी हमने गहन चिकित्सा इकाई में रख रखा है। उन दोनों की अभी जो स्थिति है वो ठीक है। सभी जो हमारे यहाँ पे मरीज भर्ती हैं, इनको चोटें सामान्य प्रकार की है। 2 मरीज जो हमें गंभीर अवस्था में लगे, उनको हमने आते आईसीयू में ले लिया और सभी वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा इनका इलाज प्रॉपर मॉनिटरिंग से किया जा रहा है और ये हम अश्योर करते हैं कि किसी भी प्रकार की कोई खतरे की बात नहीं है। इनमें से 4-5 लोगों के गनशॉट इंजरी है, बाकी और जो भीड़ के कारण उनके कारण चोट।